ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है? इसका सरल उत्तर है, ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। ब्रह्मांड विज्ञान की मानक अवधारणाओं के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म एक बिग बैंग महाविस्फोट से हुआ, जो आज से लगभग 14 अरब वर्ष पहले हुआ था, और उसके पश्चात उसका विस्तार हो रहा है। लेकिन इस विस्तार का कोई केंद्र नहीं है। यह विस्तार हर दिशा में समान है। महाविस्फोट को एक साधारण विस्फोट की तरह मानना सही नहीं है। ब्रह्मांड अंतरिक्ष में किसी एक केंद्र से विस्तारित नहीं हो रहा है, समस्त ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और यह विस्तार हर दिशा में हर जगह एक ही गति से हो रहा है। 1929 में एडविन हब्बल ने घोषणा की कि उन्होंने हमसे विभिन्न दूरियों पर आकाश गंगाओं की गति की गणना की है, और पाया है कि हर दिशा में जो आकाश गंगा हमसे जितनी ज्यादा दूर है वह उतनी ही ज्यादा गति से दूर जा रही है। इस कथन से ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में हैं, लेकिन यह तथ्य है कि ब्रह्मांड का विस्तार हर जगह समान गति से हो रहा है, और हर निरीक्षण बिंदु से ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मांड के केंद्र में है और उसकी हर दिशा में आकाश गंगाएं उससे दूर जा रही हैं। मान लीजिए कि 3 आकाश गंगाएं हैं। एक आकाश गंगा अ है, दूसरा आकाश गंगा ब है, तीसरा आकाश गंगा स है। यदि आकाश गंगा ब आकाश गंगा अ से 10,000 किलोमीटर/सेकंड की गति से दूर जा रही है, तो आकाश गंगा ब में स्थित परग्रही जीव को आकाश गंगा अ विपरीत दिशा में 10,000 किलोमीटर/सेकंड की दर से दूर जाते हुए दिखेगी। यदि आकाश गंगा स आकाश गंगा ब की दिशा में दोगुनी दूरी पर हो, तो उसकी गति आकाश गंगा अ से 20,000 किलोमीटर/सेकंड होगी, लेकिन आकाश गंगा ब के परग्रही के लिए 10,000 किलोमीटर/सेकंड ही होगी। इस तरह आकाश गंगा ब के परग्रही के अनुसार हर दिशा में सभी कुछ उससे दूर जा रहा है। इसी तरह से हमारी भी हर दिशा में सभी कुछ दूर जा रहा है। अब हम इसके लिए प्रसिद्ध गुब्बारे का उदाहरण या रूपक ले सकते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार को समझने के लिए सबसे सरल उदाहरण है अंतरिक्ष की फूलते गुब्बारे की सतह से तुलना करना। यह प्रसिद्ध तुलना आर्थर एडिंगटन ने 1933 में अपनी पुस्तक द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में की थी। इनके पश्चात फ्रेड हायल ने 1960 में अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ द यूनिवर्स में की थी। होयल ने लिखा था, मेरे अगणितज्ञ मित्र अक्सर मुझसे कहते हैं कि उन्हें ब्रह्मांड विस्तार को एक चित्र के रूप में देखने में कठिनाई होती। उन्हें समझाने के लिए गणित के सूत्रों का प्रयोग करने की बजाय मुझे उन्हें ब्रह्मांड के विस्तार को फूलते हुए गुब्बारे की सतह जिस पर बहुत से बिंद बने हों के रूप में समझाने में आसानी होगी। जब गुब्बारे को फुलाया जाता है तब उसकी सतह पर के बिंदु एक दूसरे से समान रूप से दूर जाते हैं। उसी तरह से आकाश गंगाओं के मध्य का अंतराल भी बढ़ रहा है। गुब्बारे का उदाहरण अच्छा है, लेकिन इसे सही तरह से समझना होगा, अन्यथा वह विषय को और उलझा देगा। होयल ने पहले ही चेता दिया है कि ब्रह्मांड के विस्तार में कई ऐसे पहलू हैं जो कि गलत संकेत दे सकते हैं। ध्यान दें कि यहाँ पर हम गुब्बारे की द्विआयामी सेकंड डायमेंशन सतह की तुलना थ्री डायमेंशन अंतरिक्ष से कर रहे हैं। हम गुब्बारे की तुलना अंतरिक्ष से नहीं, हम गुब्बारे की सतह की तुलना अंतरिक्ष से कर रहे हैं। गुब्बारे की सतह समांगी होमोजीनियस है, जिसमें किसी भी बिंदु को केंद्र नहीं माना जा सकता। गुब्बारे का केंद्र उसकी सतह पर नहीं है, उसे ब्रह्मांड के केंद्र के जैसे नहीं माना जा सकता। यदि आपको सरल लगे तो आप गुब्बारे की त्रिज्या दिशा को समय मान सकते हैं। गुब्बारे की त्रिज्या दिशा को आप समय मान सकते हैं। यह होयल का सुझाव था जो इसे और भी ज्यादा उलझा सकता है। सबसे सरल है कि आप गुब्बारे की सतह के अतिरिक्त किसी भी बिंदु को ब्रह्मांड का भाग न समझें। गणितज्ञ गॉस ने 19वीं सदी के प्रारंभ में कहा था कि अंतरिक्ष के गुणधर्म जैसे वक्रता को ऐसी
अंतर्भूत राशियों के रूप में भी उलझा सकता है, समझा सकता है, जिसका मापन वक्रता के कारण को जाने बिना भी किया जा सकता है। किसी बाह्य आयाम की अनुपस्थिति में भी अंतरिक्ष में वक्रता संभव है। गास में अंतराल की वक्रता का मापन का प्रयास तीन पर्वतों की चोटियों से बने त्रिभुज के कोणों के मापन से किया था। आप जब भी गुब्बारे के उदाहरण के बारे में सोचेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पहला, गुब्बारे की द्विआयामी सतह अंतरिक्ष के तीन आयामों के समरूप है। मतलब है कि गुब्बारे का सेकंड डायमेंशन सतह अंतरिक्ष के थ्री डायमेंशन सतह के समतुल्य है। त्रिआयामी, थ्री डायमेंशन अंतरिक्ष में जो गुब्बारे के अंतर्भूत है वह किसी अन्य भौतिक आयाम के समरूप नहीं। आप चाहें तो उसे आप समय के समरूप मान सकते हैं। तीसरा है, गुब्बारे का केंद्र किसी भी भौतिक वस्तु के समरूप नहीं है। आप अंतरिक्ष ब्रह्मांड का भाग न माने। चौथा है, संभव है कि ब्रह्मांड का आकार में सीमित न हो और गुब्बारे की सतह जैसे विस्तार कर रहा हो, लेकिन यह असीमित भी हो सकता है। पांचवा है, आकाशगंगाएं गुब्बारे की सतह के बिंदुओं की तरह एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन आकाशगंगाएं स्वयं गुरुत्वाकर्षण से बंधी वह बिखर नहीं रही हैं। तो अब हम क्या करें? यदि महाविस्फोट एक महाविस्फोट था तब क्या होगा? तब क्या मानेंगे? किसी सामान्य विस्फोट में पदार्थ विस्फोट केंद्र से बाहर की दिशा की ओर फैलता है। विस्फोट प्रक्रिया शुरू होने के एक क्षण के पश्चात सबसे ज्यादा गर्म बिंदु होता है। उसके पश्चात केंद्र से सभी दिशाओं की ओर पदार्थ एक गोले की शक्ल में बाहर जाता है। महाविस्फोट अर्थात बिग बैंग की इस तरह का विस्फोट नहीं था, वह अंतरिक्ष का विस्फोट था। वह अंतरिक्ष में विस्फोट नहीं था। स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार बिग बैंग के पहले समय और अंतरिक्ष दोनों नहीं थी। सही मायनों में समय के अनुपस्थिति में पहले शब्द ही निरर्थक हो जाता था। बिग बैंग अन्य विस्फोटों से अलग था। यह हमें बताता है कि किसी एक बिंदु से वाय दिशा में पदार्थ विस्तारित नहीं हो रहा है, बल्कि अंतरिक्ष हर दिशा में समान गति से विस्तारित हो रहा है। यदि बिग बैंग किसी उपस्थित अंतरिक्ष में एक साधारण विस्फोट के जैसे हुआ होता तो हम इस विस्फोट की विस्तारित होती सीमा को देख पाते, क्योंकि उसके पश्चात रिक्त अंतरिक्ष होता है। लेकिन हम भूतकाल में देखने का प्रयास करते हैं तो हर दिशा में बिग बैंग के प्रभाव को देखने को मिलता है। यह ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव विकिरण अर्थात कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण हर दिशा में समांगी है। यह भी दर्शाता है कि पदार्थ किसी बिंदु से बाहर की दिशा की ओर नहीं जा रहा है, बल्कि अंतरिक्ष ही हर दिशा में समान रूप से विस्तार कर रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अभी तक के समस्त निरीक्षण भी यही दर्शाते हैं कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है। यह एक तथ्य है कि ब्रह्मांड के समान रूप से विस्तार से यह संभावना समाप्त नहीं होती कि एक गर्म घना ब्रह्मांडीय केंद्र संभव नहीं, लेकिन आकाशगंगाओं के वितरण और गति के अध्ययन से यह स्थापित कर दिया है कि हमारे निरीक्षण की सीमा के अंतर्गत ऐसा कोई केंद्र नहीं है। ब्रह्मांडीय सिद्धांत, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। 1933 में आर्थर मिलेने ने ब्रह्मांडीय सिद्धांत कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार ब्रह्मांड का एक समान समांगी और सार्वत्रिक विस्तार हो रहा है। इसके कुछ पहले ही यह माना जाता था कि ब्रह्मांड में केवल हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी ही है और उसका केंद्र ब्रह्मांड का केंद्र है। 1924 में हब्बल द्वारा अन्य आकाशगंगाओं की खोज ने इस बहस को समाप्त कर दिया। आकाशगंगाओं के वितरण की संरचना में काफी खोज हो जाने के बाद भी अनेक खगोल वैज्ञानिक इस सिद्धांत को दार्शनिक रूप से मानते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी उपयोगी अवधारणा है जिसके विरोध में कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन ब्रह्मांड का हमारा परिप्रेक्ष्य प्रकाश गति अथवा बिग बैंग के पश्चात के सीमित समय द्वारा अवरोधित है। हमारे द्वारा निरीक्षित किया जा सकने वाला ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन संभवतः वह समस्त ब्रह्मांड की तुलना में बहुत क्षुद्र हो सकता है। ब्रह्मांड असीमित भी हो सकता है।
हमारे द्वारा देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड की क्षितिज के पश्चात क्या है, इसे जानने के लिए हमारे पास कोई साधन या उपाय नहीं। हम यह भी नहीं जान सकते कि यह ब्रह्मांडीय सिद्धांत कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांत सही है या गलत। 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने अंतरिक्ष के विस्तार के लिए आइंस्टीन के सापेक्षतावाद की समीकरणों का हल निकाला था। इन्हीं समीकरणों के हल के आधार पर उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया। इन समीकरणों के हल पर आधारित मॉडल को फीडमैन लेमेत्रे रॉबर्टसन वॉकर मॉडल कहा था। फीडमैन ने इस मॉडल को खोजा था, लेकिन उसे सही मॉडल नहीं माना था। यह बहुत कम लोग को ज्ञात है कि लेमेत्रे ने एक ऐसा मॉडल भी बनाया था जो गोलाकार सममित में विस्तार करते हुए ब्रह्मांड का था। इस मॉडल को लेमेत्रे टालमन बाउंड्री मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र संभव है। हमारे पास यह मानने का कोई आधार नहीं है कि LTB मॉडल सही नहीं है, क्योंकि FLWR मॉडल या LTB मॉडल का एक विशेष सीमित प्रकार है। FLWR मॉडल यह एक ऐसा सन्निकटीकरण है जो कि निरीक्षण किए जा सकने योग्य ब्रह्मांड के लिए सही है, लेकिन उसके कुछ वाय कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्रह्मांड की संरचना और भी अन्य आकारों में संभव है, जिसमें केंद्र भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। निरीक्षण किए जा सकने वाले ब्रह्मांड के पैमाने पर उसका केंद्र नहीं है, लेकिन यदि यह पाया जाता है कि निरीक्षण किए जा सकने वाले ब्रह्मांड से बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड का केंद्र है, तब भी यह संभव है कि उससे भी बड़े पैमाने पर ऐसे अनेक ब्रह्मांड केंद्रों में से हो सकते हैं जो ठीक उसी तरह जैसे कुछ समय पहले मंदाकिनी आकाशगंगा का केंद्र ब्रह्मांड के केंद्र था। साधारण शब्दों में बिग बैंग सिद्धांत की अवधारणा के अनुसार विस्तार करते हुए ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है, और यह अब तक के निरीक्षणों के आधार पर सही है, लेकिन यह भी संभव है कि हमारे निरीक्षण से बड़े पैमाने पर यह सही ना हो। हमारे आप इस प्रश्न का अकाट्य उत्तर नहीं है कि ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।